और एक एक करके मैं लगभग मोटे रूप से सारी डिपोज में देखना चाह रही हूँ। हमारा मेरा जो फिलहाल मुख्य प्राथमिकता है क्लीनिनेस, और हमारा सारा जोर है बस स्टैंड में पैसेंजर फ्रेंडली होने चाहिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, बसें सुविधाजनक होनी चाहिए। तो उसमें मुख्य जो एक बात है जो हम लोगों की बसेस में जो कमी है फिलहाल, वो है हमारी बसें साफ़ नहीं है, सीटें कंफर्टेबल नहीं है, सीटों के रेक्जिन वगैरह फटे हुए। हमने कुछ निर्णय अपने ऑफिस में अपने हेड ऑफिस के स्तर पर लिए हैं और इसका परिणाम आते आते 3-4 महीने 5-6 महीने लगेंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल इनको सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया है। हमने जोनल मैनेजर्स की व्यवस्था भी स्टार्ट की, जो भी बार बार टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैम, रोडवेज कर्मचारी जो रिटायर्ड एम्प्लॉय उनके काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, बिल्कुल है हाँ। नहीं, उनका बिल्कुल वो समस्या बहुत वाजिब है, और मेरा ये मानना है कि ये गलत है कि इनका पेमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी को टाइम पर नहीं मिल पाए। लेकिन कुछ सीमाएं रही हैं जो पिछले वर्षों से कुछ एक्यूमुलेट हो गई प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, और कोशिश यह है कि शायद हम 3-4 महीने में 2018 तक के तो एम्प्लॉयज़ को हम कम से कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे पाएंगे। ये कोशिश हम कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि शायद इस कोशिश में हम सफल होंगे, और इनकी समस्याओं से हमें भी बहुत परेशान। नई बसें या नई भर्ती करने जा रहे हैं? नई बसें बिल्कुल लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारा फ्लीट जो है बिल्कुल ख़त्म की कगार पर आ रहा है ग्रेजुअली, और इसमें काफ़ी कंडम हो रही हैं बसेस, और करते करते रिड्यूस होते होते इस साल के अंत तक तो 2000 के लगभग रह जाएगा, जो बहुत डेंजरस है पैसेंजर्स के लिए भी और रोडवेज के लिए भी। तो बसेस की ख़रीद का बस हम अभी थोड़ा सा फंड्स की व्यवस्था का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही होती है तो हम टेंडर्स निकालेंगे और करेंगे। भर्ती उस अनुसार होगी, मतलब एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुरंत ही भर्ती स्टार्ट कर दें, पहले बसेस लेना हमारी प्रायोरिटी है, उसके बाद हम भर्ती का देखेंगे। अनुबंध पे बसेस चलाएंगे? अनुबंध पे बसेस का तो निर्णय ऑलरेडी हो रखा है 30% के लिए, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैम, कुछ स्थानीय समस्याएं जैसे जो आपके ड्राइवर कंडक्टर हैं और लॉन्ग रूट चाहते हैं, उसके हम लोग रेस्ट रूम वगैरह नहीं है? बिल्कुल सही है, रेस्ट रूम के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, हमारे सारे बस स्टैंड पर रेस्ट रूम बनेंगे। रेदर हम तो उससे भी आगे जा रहे हैं, कंडक्टर्स ड्राइवर्स के रेस्ट रूम तो होंगे ही, इसके अलावा पब्लिक की सुविधा के लिए अच्छे टॉयलेट्स, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, उनके लिए शेड की व्यवस्था, उनकी प्रॉपर कुर्सियाँ वगैरह लगने के अलावा, जो माताएं बच्चों को जो शिशु जो दूध पान करने वाला जो बच्चे होते हैं, तो उनके उसके लिए भी हमने कहा कि मातृ शिशु कक्ष भी एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर हो जिससे माताएं कंफर्टेबली पिला सकें, तो फीडिंग कर सकें, यहाँ पर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अभी इनकी मीटिंग हुई थी तो पहले 50 करोड़ रुपए देने का था, फिर ये चर्चा हुआ कि रोडवेज एमबी से चर्चा करने के बाद कि बीओटी पर बनाएंगे। मैम, कुछ चर्चा वगैरह हुई क्या बस स्टैंड की? जो बस स्टैंड है इसकी बिल्डिंग काफी पुरानी है, तो मैम इसको स्मार्ट सिटी में पैसा दिया है? ये स्मार्ट सिटी में है बिल्कुल, और ये अभी चर्चा हमारी चल रही है, जल्दी निर्णय हो जाएगा इस पर। ये समस्या है हमारी निगाह में, हम फिलहाल अभी हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात की है, मंत्री महोदय के भी की भी ध्यान में हम लेकर आए, उनको ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें, तो हम अब ये कर रहे हैं कि जहाँ पर भी एजेंट की बसेस हमारे सामने आगे खड़ी हुई होती हैं उनके नंबर नोट करके हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ पर भेज रहे हैं जहाँ से एक्शन हो रहा है। और इसके अलावा हम अपने मतलब कुछ ऐसे डेडिकेटेड व्यक्ति भी खड़े कर सकते हैं जो कि ताकि उन प्राइवेट बसेस को वहाँ से खड़े ना होने दें, हमारे सवारियों को ना ले जाएं। या नो पार्किंग जोन बनाया सर, कलेक्टर ने नो पार्किंग जोन बनाया सर रिटर्न में, इसके चलते यात्री उसमें बैठते हैं। किराया ज़्यादा कम का किराया का भी हम अब सोच रहे हैं कि हम कुछ फ्लेक्सी फेयर का हम कुछ करेंगे, तो उसमें हम विचार कर रहे हैं, जैसे कुछ हम सीजनल कंसेशंस दे दें या वीकली कंसेशंस दे दें या हम ग्रुप कंसेशंस दे दें, इस पर हमारा वर्कआउट हो रहा है। निश्चित रूप से महीने डेढ़ महीने में इसमें भी हम कुछ ना कुछ बात चली थी, हम किराए को राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ के अलावा, हाँ राउंड ऑफ से तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 90 है तो उसको पूरा कर दिया, पर ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से होगा वो हम एक्सपेरिमेंट के रूप में करेंगे, कुछ समय चला के देखेंगे उसका क्या असर होता है, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे।